गुज़िश्ता शाम देर से फेरी मेडोज़ पहुँचे, मगर रात देर तक दियार की खुशबूदार लकड़ी में सिकाई करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बाकी है। इसलिए सुबह सवेरे फिर से उठ खड़े हुए। सुबह 5 बजे नागा पर्वत पर पड़ती सूरज की किरणें हमें हमारी मंजिल दिखा रही थीं, एक अनदेखी मंजिल, मुसम्मम इरादा और 4 यारे गार। आधा घंटा हो गया हमें फेरी मेडोज से ट्रैकिंग करते हुए, और सामने हमारे नंगा पर्वत का माइटी पहाड़ है, द किलर माउंटेन। आई होप हम मज़ीद 1 घंटे में बियालगंज पहुंच जाएंगे मैक्सिमम, और वहां पर हम अपना नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये नीचे जंगल और हम दुनिया से दूर आ चुके हैं। अभी तक की तकरीबन 1.25 घंटे की ट्रैकिंग हुई है, 3रा चश्मा है पानी का, और मुसलसल पानी की आवाज़ के साथ साथ हम जो है ना ये ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। शाह जी, थकावट तो नहीं हुई? नहीं यार रऊफ, उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह ये जो पानी चश्मों का है बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर पानी है। आप देखें तो सही इसका सोर्स क्या है यार, माशाल्लाह पहाड़ के पेट से ये पानी निकलता है। मैं तो ये समझ रहा हूँ यार, जिस मकाम से ये पानी निकल रहा है इंशाल्लाह यही पानी हमें एनर्जी देके वहाँ तक पहुँचाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कल मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि ये पानी पीने के बाद ना भूख जो लगी हुई थी वो ख़त्म हो गई, फुल ऑफ मिनरल और स्वीट वाटर। और इसके सामने जो हमारे जितने भी बॉटल वाटर हैं सब फ्लॉप हैं, सब खलास हैं, ख़त्म है, फ्लॉप है, ज़ीरो। हाँ जी नुमान साहब, कायम है? हौसला बहुत है इंशाल्लाह, गोडे ख़त्म हो जाएंगे, हौसला नहीं ख़त्म होगा। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, बहुत ही पीसफुल रास्ता ये, खासकर ये जंगल की ट्रैकिंग। और इसमें खूबसूरती ये भी है कि ये सीधी सीधी ट्रैकिंग है, कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है इसमें। ये कितनी प्यारी जगह है ना, खुली खुली। बड़ा दिल करता है कैंप लगाऊँ, हाँ चश्मा बह रहा हो, सुबह उठता हूँ चश्मे में। तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो चुका है और हम ब्याल कैंप से 1/2 घंटा पीछे हैं अभी, तो हमारी स्पीड से अंदाज़ा हो रहा है कि हम बेस कैंप में अभी हमें मजदूर शायद 5 घंटे लग जाएंगे। और मौसम बड़ा क्लियर है, ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है पता नहीं कैमरे में है कि नहीं, इतना माइटी पहाड़, ये लास्ट टाइम मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यहाँ से इस तरह का व्यू होता है, क्योंकि ये नज़र ही नहीं आया था लास्ट टाइम, पूरा बादलों में गुम हुआ हुआ था। वाह सुभान अल्लाह, मजेस्टिक व्यू ऑफ नांगा पर्वत। शाह जी ज़बरदस्त, अब तक की ट्रैकिंग और ये सामने जो पहाड़ है, क्या व्यूज़ हैं आपके? सर व्यूज़ ये हैं कि जैसे जैसे मंजिल के करीब होते जा रहे हैं हौसला माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है ना, अपना जो टारगेट था वो सामने नज़र आ रहा है, पीछे जो सारी फटीग थी ऐसा ऐसा महसूस हो रही ख़त्म हो गई है। हाँ इंशाल्लाह इसको अचीव कर लेंगे। हमारे दरमियान एक ट्रैकर है जो हमारे बॉस हैं, वो बहुत तेज़ चल रहे हैं। यस ही हैज़ एनर्जी, मैं लास्ट टाइम इन्होंने अपना वेट भी लूज़ किया और ये कि अच्छी वॉक की है, वार्म अप हो गए हैं, तो ये अच्छा है, चलें हमारे लिए भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम स्लो चल रहे हैं। नहीं, आपने बड़ी प्यारी बात की थी अभी, स्लो एंड स्टेडी, क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट द टारगेट। हाँ कंप्लीट द टारगेट, नॉट विंस द रेस। यस 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 यस। और यहाँ पे यार रेस जीतना भी नहीं है, यहाँ पे रेस जीते क्या करना आपने, आपने सिर्फ हारना नहीं है। हारना नहीं है और किससे नहीं हारना, वो जो सामने टारगेट हमारा नजर आ रहा है, मंजिल से नहीं हारना। क्या बात कर दी है जी, थैंक यू वेरी मच। आ गए आप, चले कंटिन्यू करते हैं। फेरी मेडोज से ब्याल कैंप का ट्रैक इंतहाई खूबसूरत, दिल नशीन और रूह परवर है। एक तवील सरसब्ज वादी जिसके बीच सफ़ेद पानी का चश्मा बहता है, सूरज की शफाफ और तेज़ किरणें, चरिंदों की चहलकदमी
और परिंदों के सुरीले नगमे, हर कदम पर गिरता दर्जा हरारत, जंगल की हौलनाक खामोशी और यारों का संग इस ट्रैक को मुनफरिद बना देते हैं। लवली लवली यार, अब तक का सबसे बेस्ट नज़ारा अब तक का। वो भी ऐसा ही व्यू होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है ना, बड़ा गर्क कर दिया, ये होना चाहिए सन्ने। यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक टच है, गलियाँ मोहल्ला बन गया वो तो। एंड फाइनली आफ्टर 2 hours लेबोरियस ट्रैकिंग वी आर एट दयाल कैंप। यहाँ पर हमारा पड़ाव सिर्फ नाश्ते की हद तक होगा, मिल जाए अलग रहे नाश्ता और जल्दी मिल जाए, क्योंकि बेस कैंप तक जाना है और वापस भी फेरी मेडोज तक पहुँचना है, तो यहाँ थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, नाश्ता भी हो जाएगा और चाय भी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत जगह है दयाल कैंप, लास्ट टाइम ये व्यू नहीं था यहाँ पे, आई मिस दैट। सिर्फ इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और कल से हम 4 लोग इसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह बढ़ते जा रहे हैं जैसे परवाने शमा की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये वापसी का ट्रैक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पीसफुल। शाह जी हमारे बड़े अच्छे कुक हैं, अभी हमारे बेहतरीन किस्म का पराठा खिलाएंगे। एक गिरता उसी को ना ऊपर आटा ले लगा दीजिएगा, पेड़ा रोल करते हुए आप इसको रोल करें, वो जो नीचे गिरेगा ना उसी को इसके ऊपर लग जाएगा, बोलते हुए ना उसके ऊपर दबा दीजिएगा, इसको रोल करें लंबा करें। पता नहीं दी साफ भी है नीचे से करनी, वो खैर होता है इसमें उसी का जायका है, जायका उसी चीज ट्रस्ट में, ये चीजें नहीं सोचते, अब बस घुमा के लगा रहे हैं। ऊपर रख के लगाएं और इधर इधर से थोड़ा इसको मारो, जिस तरह दूर करना था ना इसको कर, वो जैसे से करना पेड़ा भी आपने सही बनाया, बल्लों वाला। जी नाश्ता चाय वाय हमारा हो गया है और ट्रैकिंग हमने रिज्यूम कर दी है अभी दयाल कैंप से, अब चलते जाएंगे बस बेस कैंप तक इंशाल्लाह। पहले व्यू पॉइंट पर रुकेंगे थोड़ा सा, 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बेस कैंप तक, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो। सुभान अल्लाह के साथ आज के दिन का सबसे खूबसूरत व्यू जो लास्ट टाइम मैंने मिस किया था। शाह जी ये माइटी माउंटेन जो है, वाकई ये अगर कोई कह सकता है ना कि ज़मीन पे कोई एग्जेजरेटेड कोई चीज़ है तो वो ये पहाड़ है। मैं तो और वो ये और ये बात वही समझ सकता है जो यहाँ आके उसे देखे। हाँ, वीडियो में नहीं, हाँ पिक्चर्स में नहीं, बेशक तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत। मैं तो कहता हूँ बल्कि ये तो दुनिया के जो अल्लाह की तरफ से, बल्कि अल्लाह की तो हर मखलूक की अजूबा है, बहुत बड़े बड़े जो अजूबे हैं अल्लाह पाक के उसमें से एक हैं। और ये हम आपको ज़रा 360 व्यू दिखाते हैं इसका, नुमान साहब भी कवर्ड हैं 360 व्यू में। नुमान साहब हाउ डू यू फील? जबरदस्त यार, मज़ा आया, बेहतरीन। आप मुझे दुआएं दें फिर, आपको करवट जन्नत नसीब करे। हाँ आमीन आमीन। अच्छा आप हमेशा इस तरह के व्यूज दिखाते रहे, आपके गोटे गिटे सलामत रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस तरह के व्यूज दिखाते। थैंक यू सो मच, मुझे ना आपका साथ चाहिए सिर्फ, क्योंकि मुझे अकेले बड़े फ्रस्ट्रेशन होता है। हम पहले कमिट कर चुके हैं आपसे, दोबारा कमिटमेंट दे देते हैं, ये कमिटमेंट हमारी पहले हो चुकी हुई है। बहुत हम भी वेलकम करें इंशाल्लाह, हम भी आप। शाह जी यू आर मोस्ट वेलकम। आप पहाड़ों का पैदल सफर कदरे आसान हो जाता है अगर हम इस सफर को तकसीम कर लें छोटी छोटी मंजिलों में, वहाँ फिर से इकट्ठे हों
और निकल पड़े अगली तयशुदा मंजिल की तरफ। सो वी आर हियर फाइनली एट द व्यू पॉइंट और ये रायकोट ग्लेशियर। वाओ सारा ग्लेशियर नीचे आया हुआ है ना, ये सारा ग्लेशियर्स रहा हुआ है, हाफ हैज मेल्टेड एंड अदर इज बीइंग मेल्ट ना जो जा रहा है। बिल्कुल सर, वो जो सारा रास्ता हम पानी देखते आए ना फेरी मेडोज के ट्रैक पे, यही मेल्ट हो रहा है। और वो पीछे से वो आया हुआ है, वो बहुत बड़ा ग्लेशियर है सर। सर ए लव अफेयर फॉर ट्रैकर्स सर्टेनली, नीचे का रास्ता प्रोबेबली ये जा रहा है। व्यू पॉइंट से नांगा पर्वत का दीदार ऐसे लगता है जैसे कोई नाजिर किसी बड़े महल के दरवाजे से दूर बैठी हुई मलका का दीदार करे और इसे करीब से देखने की हसरत बाकी रह जाए। मगर इस हसरत को मिटाने की आरजू दिल में लिए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। अच्छा, अभी हम यहाँ से निकलेंगे नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ। दो रास्ते जाते हैं, लेकिन ये जो एक नीचे ट्रैक नज़र आ रहा है ये ट्रैक हम यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह विद इन 2 आवर्स हमारी कोशिश होगी कि हम अपना नाम वहाँ पे कंधा करके आ जाए किसी दीवार पे। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से उतरना है सर। शाह जी तो यार लेट्स स्टार्ट, बताएं एहसन साहब और अब्दुल रऊफ बकौल एहसन साहब हम अपना नाम लिख के आएंगे वहाँ इंशाल्लाह। खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। जब फिर जब शाह जी इधर कैमरा करें, फिर जब हम जन्नत में मिलेंगे ना इंशाल्लाह, उस वक्त फिर हम ज़रूर अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये जगह एक दफ़ा फिर दे जाएं बगैर एफर्ट के। ये इतना ख़तरनाक रास्ता है कि इस रास्ते पर मैं कैमरा हाथ में होल्ड नहीं कर सकता। अभी थोड़ी सी खुली जगह आई है ये खड़े होने के लिए, तो यहाँ पे भी खड़े होते मुझे डर लग रहा है। और ये पीछे से हम काफ़ी सारा ट्रैक करके आए हैं अभी तकरीबन 15 मिनट में। वो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है व्यू पॉइंट का, और ये अभी हमने यहाँ से उतरना है। लुकिंग टू डिफ़िकल्ट, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से करते जाएंगे और बेस कैंप को हाथ लगा के ही आएंगे आज। बहुत ही जाली किस्म का ब्रिज हमने क्रॉस करना है और इस खतरनाक पानी के ऊपर से। मेरा एक बहुत ही कंसिस्टेंट व्यूअर है रमीज। दिस क्लिप इज स्पेशली फॉर यू यार। नांगा पर्वत व्यू पॉइंट से आगे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैंने आगे बेस कैंप तक जाना है कि नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। और ये रास्ते की खतरनाकी देखो यार, सिर्फ मैंने बार बार वही आपका सेंटेंस जो आप मुझे 5 साल से कमेंट कर रहे हैं, मोर पावर टू यू सर, वो मैंने सोचा है वो सेंटेंस और आई डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड। इंशाल्लाह वी विल टच आवर डेस्टिनेशन टुडे। बहुत थक गए लेकिन अल्लाह के ये नज़ारे, मैं कहता हूँ कि इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। यहाँ आने का डिसीजन बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन थक बहुत गए हैं। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देखें, ये दूसरा दरिया है जो हम बेस कैंप जाते हुए क्रॉस करने लगे हैं। और ये रायकोट ग्लेशियर कब से हम शुरू हुए थे इस पर और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। ये देखें आगे इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। ट्रैकिंग का नशा सबसे अफजल नशा। देखें ज़रा शाह जी कैसे आ रहे हैं पत्थरों से होते हुए। हिम्मत को दाद देता हूँ मैं शाह जी की, ही हैज़ लॉट ऑफ वेट अराउंड 130 kg।
वैसे एक बात है, यहाँ पे आके जो है ना अपनों की बहुत याद आती है। इतनी दूर आ चुके होते हैं ना हम, आई एम नॉट श्योर के आई कैन गो बैक टू होम और नॉट, तो इसलिए ना बड़ी याद आती है अपनों की कि पता नहीं हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं इसके बाद। और शायद यही वजह है कि यहाँ आके ना अपनों से मोहब्बत है ना वो बढ़ जाती है, इसको अपने समझें या ना समझें। लेकिन ये जो नशा है ना ट्रैकिंग का, ये रिलेशंस ख़राब भी करता है, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। लेकिन नहीं, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू डू दैट। हम इसके बहुत करीब आ गए, क्योंकि लग रहा है कि बहुत करीब आ गए, लेकिन ये स्टिल बहुत दूर है। और वो जो बड़ा ग्लेशियर जो खौफनाक सा लग रहा है, लेट मी जूम, ये वाला, ये दूर से नज़र आ रहा था, इसके हम काफ़ी करीब आ गए। और अभी भी बहुत सफ़र है हमारा। पीछे हमें एक फॉरनर मिला था जो करके आ चुका था, और उसने बताया कि आपको एक घंटा और लगेगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमें 1.5 से 2 घंटे और लग जाएंगे। इट्स रियली टफ। और ये रायकोट ग्लेशियर पूरे का पूरा, ग्रीन कलर का रास्ता, ग्रीनी ग्रीनी और येलो येलो, पर्पल पर्पल, ब्लू ब्लू, रेड रेड, ब्राउन ब्राउन, वाओ, हर तरह का कलर है यहाँ पे। और दो पहाड़ हो रहे हैं जो हमने समिट करने हैं बेस कैंप तक पहुँचने के लिए। और ये सामने नंगा पर्वत का पहाड़ी सिलसिला पूरा। और थोड़ा करीब आ गए हैं, लेकिन ये जो जगह है ना ये बहुत खूबसूरत है। अब ग्रीन हो गई है दोबारा, और हमने लेफ्ट राइट साइड पे अपने जो है ना चढ़ना शुरू कर दिया पहाड़ पे। यहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे, और बेशुमार रंग नज़र आ रहे हैं फूलों के। ये सामने नंगा पर्वत भी है, क्या बात है यार, अल्लाह की शान। जी बेस कैंप के हम बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये जो फ्लैट जगह है, बस इससे ऊपर जब चढ़ेंगे सामने झंडा भी नज़र आ रहा है मुझे, और वहाँ पे बेस कैंप है। और उसके पार सिर्फ नंगा पर्वत की दीवार है, वहाँ जाके बस इंशाल्लाह उसको देखना है। मैक्सिमम करीब वही है जहाँ से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे बेशुमार कलरफुल फ्लावर्स इस मीडोज में खिले हुए हैं, अल्लाह की शान। रूफ यार, मीडोज को ऐसा होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ ना, जैसे फेरी मेडोज के अंदर लोगों को इजाजत दे दी कि वो कॉटेजेस बना लिए, होटल्स बना लिए, रेस्टोरेंट बना लिए, लोग आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तबाही फेर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है काम। अभी देखें यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत और बेहतरीन। ये देखें कितने शानदार अल्लाह पाक के जानवर, इधर वो गाय भैंस, और ये देखें घोड़े, और ये फूल पौधे, एवरीथिंग इज ग्रीन, एवरीथिंग। और ये नेचुरली ग्रीन है, किसी बंदे ने इनको लगाया नहीं, माली ने। हाँ, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, किसी ने ना कोई फर्टिलाइजर ना कुछ है, लेकिन चस करा दी यार, ऐसी मेडोज होनी चाहिए। और ये होना था कि यार अगर हम इधर नहीं आते ना, तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि वो जो फेरी मेडोज वाला हमने जो कैंपिंग किया ना, उससे पैसे नहीं पूरे हो रहे थे हमारे। पैसे मेरे भाई यहीं पे आके पैरों पूरे हुए हैं। और आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है शाह जी। बस एक अल्लाह की ज़ात का भरोसा, आप दोस्तों की कंपनी है, कोशिश करके इंशाल्लाह चल रहे हैं, उम्मीद है वापस भी आफियत से आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा स्टीप हाइकिंग है, लेकिन इतना खूबसूरत मौसम है, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं परिंदों की, इतना खूबसूरत माहौल है, और ये इतना खूबसूरत नज़ारा है सामने। 8 घंटे में हम बेस कैंप पे पहुंच रहे हैं, जितनी देर में मुल्तान से इस्लामाबाद गाड़ी पहुंचती है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया के दूसरे कोने में आ गए हैं। फाइनल मराहिल तय करते हुए टूवर्ड्स
नागा पर्वत बेस कैंप, नदीम शाह बहुत मेहनत के बाद आखिरकार दिस पॉइंट शुड बी रीलेबल्ड एज शाजी पॉइंट। एक तवील और सबर आजमा पैदल सफर के बाद व्यू पॉइंट से बेस कैंप पहुंचे। मेरी अब तक की जिंदगी के हसीन तरीन नज़ारे का वक्त आन पहुंचा था। बस एक आखिरी मरहला बाकी था इस पहाड़ी को सर करने का। Winning steps. Yes. Yes. आखिरकार जिंदगी में पहली बार नांगा पर्वत बेस कैंप। मौसम ऑसम, ये बेस कैंप पे एक हट बनी हुई है और ये सामने माइटी माउंटेन, अल्लाह की शान। यार वंस अगेन रमीज थैंक यू सो मच, ये आपका सेंटेंस ना होता ना सर मोर पावर टू यू, आई कुडंट हैव कंप्लीटेड इट। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत जगह है। 8 घंटे लगे हैं हमें फेरी मेडोज से यहाँ तक, बहुत स्लो हम आए हैं। और ये हमारा तरीक़ेकार होता है कि हम स्लो ही ट्रैकिंग करते हैं, थकते कम हैं। फिर मौसम खूबसूरत भी है और खौफनाक भी हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। बस इस तरह की बुलंद जगह का बेस कैंप वगैरह का यही होता है कि आप आ गए हैं, हाथ लगा लिया और यू आर नाउ एट 14,000-15,000 फिट हाइट। मैं एग्जैक्ट हाइट इसकी स्क्रीन पे मेंशन करूँगा। और ये फीलिंग ही बहुत है कि इतनी हाइट पे और इस दुनिया की इस नवी बुलंद तरीन चोटी के सामने हम खड़े हुए हैं इस वक्त और हम इसके बेस को हाथ लगा के और फाइनली जा रहे हैं। ये है जी बेस कैंप स्टे एरिया। और ये एक छोटी सी कैंटीन, यहाँ पे यहाँ चाय पियेंगे हम, चाय बना रहे हैं ना हमारी 5 कप चाय का बताया ना वो बना रहे, ये इन्होंने जो बताया 5 कप का, ठीक है। शाह जी हाँ, मैनी कंग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया, रब तआला का बहुत शुक्र एहसान और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया अल्लाह के तवक्कल के ऊपर और आप दोस्तों की कंपनी की वजह से माशाल्लाह पहुंच गया, अकेला शायद कभी ना पहुंच पाता। मैनी कंग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार। बहुत शुक्रिया अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे पहला काम यहाँ पे आके जाना, शाह जी ने ये सजदा अल्लाह पेश किया और अब जो है ना नफल अदा करके नीचे से निकलेंगे। मैं यार ऊपर पहुंचा दे दो रकात नमाज में शुक्राना पढूंगा, फर्ज भी पढूंगा, सारा कुछ कम ऊंचे पहुंचा दे मेनू बस। अब यहां से हम चाय पी के वापस निकलेंगे, बारिश की तरह शुरू हो गया ना, क्योंकि बारिश भी शुरू हो चुकी है। जी सर बारिश हो गई है, शुरू हो गई है ना। अपना गाइड भाई नमाज कहां पढ़े, कोई जगह है? बेस कैंप की ऊंची और हरी पहाड़ी से अतराफ में सफ़ेद पोश दुख्तराने नांगा पर्वत के तवील सिलसिले, बीच में सफ़ेद चादर ओढ़े नांगा पर्वत अपनी पूरी शानो शौकत और जलाल के साथ जमूद, ऊपर गहरा नीला आसमान, चोटियों पर तैरते बादल और मौसम की हमनवाई ने सहर अंगेज कर दिया। मगर कुछ ही देर में बर्फानी तोदों के शोर
और उनसे उठते बादलों की आंख मचोली के बाद बरसने वाले मोतियों ने शहर को तोड़ दिया और गाइड के मजबूर करने पर यहां से ऐसे रुखसत हुए जैसे कोई वक्त जुदाई में बार बार पलटकर अपने महबूब को देखता है और फकत कहता है अल्लाह हाफिज। इस रात सोने से पहले ऐसा लगा कि जैसे अब कुछ बाकी नहीं है। जी तो हम अपना फेरी मेडोज नांगा पर्वत का टूर जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने रायकोट से जीप 16,000 में जो है ना वो हायर की थी टैटू विलेज तक, और ट्रैकिंग करते करते हम फेरी मेडोज तक आए और हमने यहाँ पे ये कैंप जो सामने नज़र आ रहे हैं ये लिया था 2000 पर नाइट में। लेकिन हमारा डिसीजन थोड़ा सा जो है ना वो गलत ही था क्योंकि बारिश हुई है कल रात बहुत ज़्यादा, तो हमने मुश्किल से ही काटी है इस टेंट में। खैर, जिस दिन हम पहुँचे थे उससे अगले दिन हमने ब्याल कैंप की ट्रैकिंग की, व्यू पॉइंट की ट्रैकिंग की और नांगा पर्वत बेस कैंप तक गए। यहाँ से हमें आना और जाना बेस कैंप तक तकरीबन 14 घंटे लगे थे और हम अपने तरीके से जा रहे थे, बड़ा स्लो स्लो। एक नॉर्मल जो हम पंजाबी लोग हैं उनके लिए 10 से 12 घंटे जो है ना वो आना जाना होता है। यहाँ से व्यू पॉइंट तक अराउंड 3 घंटे और 4 घंटे आगे तकरीबन 3-4-7, और वापसी पे जो है ना उतरते हुए टाइम कम ही लगता है। सुबह सुबह के 8 बजे हुए और पानी पानी हुआ हुआ हर जगह जल थल। मिलते हैं किसी और जगह पर।